पार्क में हमारा ये डेवलपमेंट वर्क चालू है जिसकी मान्यता हेरिटेज कमेटी ने दिया हुआ है और काम एनएमसी के मार्फत में हो रहा है। तो ये रात को जो हमारे मेरे राइट साइड में जो कॉन्ट्रेक्टर है ये एक्सकेवेट कर रहे थे, ड्रेनेज का ट्रेंचेस बना रहे थे, तो उसमें हमको ये लोहे के कैनन मिले जिसकी करीब करीब 4 मिले अभी तक और उसके एक्सेसरीज मिले हैं, तो 10 फुट के 2 है और 9.5 फुट के 2 है। तो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले को सूचित कर दिया गया है, कमिश्नर साहब को भी बता दिया और कलेक्टर साहब को भी बता दिया है, अब वो भेजने वाले यहाँ पे अपने आदमी और तपास करने वाले। तो ये जो तोप है ये ऑफ हेरिटेज इम्पोर्टेंस है और ये काफी ब्रिटिश के जमाने के है पूरे, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज मिली है यहाँ पे। अब इसको यहीं पे अब कैसा देखने का है आगे, अभी क्या है और हम उसको केयरफुली जांच करेंगे। ईस्ट साइड मिला है, ईस्ट साइड पे मिला है, अराउंड 4 फुट गहरे पे मिला है, बस 4 फुट गहरे पे ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द नियर श्री मोहिनी अपना कॉम्प्लेक्स। सर अभी केपी ग्राउंड में जो सब काम चल रहा है किस चीज का काम चल ये रहा है? पूरा यहाँ पे एक अपना वॉकिंग ट्रैक बन रहा है ऑल अराउंड पेरिफेरी में और उसके बाद में हमारे 10 फुट का प्लांटेशन होने वाला है और बाकी जगह पूरी खाली है। उसी दौरान मिला ये पूरा और यहाँ पे फ्लैग पोस्ट का काम चालू है डेवलपमेंट वर्क का। निर्णायक भूमिका या तोफान आपण म्हणू शकतो काही हे नाही आहे, कारण की आपण जर पाहतान माझ्या जो थोडस जे छोटं शस्त्रागार आहे त्याच्यामध्ये एक तोफाचा जो गोळा आहे त्यावेळेस जो उडला होता आणि आपल्या राजवाड्याच्या हिला येऊन अटकला होता तर तो अजून बी माझ्याजवळ आहे। तर आपण जर विचार केला की इथून जो डिस्टन्स महालला जर तो येऊन टकरावतो आहे तर त्या तोफांचा आपण लांब पल्ल्याच्या माऱ्याचा आपण अंदाज लावू शकतो, ह्याच्याहून बी मोठा तोफा सापडल्या तर काही आश्चर्याची गोष्ट।